फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे, जिसका नाम है वेंसी एंड आशु व्लॉग्स और मेरा नाम है वंदना। तो दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है, व्लॉग जो स्टार्ट हो रहा है 8 फरवरी की शाम से। अभी शाम के 5 बज रहे थे, तो जो कपड़े थे ना वो उठा के मैंने अंदर रख लिया। फिर उसके बाद हमने चाय वगैरह पिया और फिर 6:30 बजे के करीब टाइम है, मैं आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए। आज मैं जल्दी से बना रही हूँ डिनर, क्योंकि आज मैं वॉक पे नहीं गई, तो फिर मैंने सोचा चलो आज खाने बना लेती हूँ पहले। तो आज मैं खाने में ना एग राइस वो बनाऊंगी, एग करी और राइस। तो मैंने इधर अंडे रख दिए उबलने के लिए, और ये जो चावल है इन चावल को भी चढ़ा दूंगी। तो आज खाने में ही बनेगा, और बनाऊंगी रोटी, क्योंकि हिमांशु तो रोटी भी खाते हैं। तो राइस मेरे लिए है, ऑस्कर और रंबो के लिए है, और बाकी मैं जिन जिनको रोटी खानी है थोड़ी थोड़ी सी रोटी भी बना दूंगी। तो एक साइड पे मैंने राइस भी रख दिया, एक साइड पे जो है अंडे उबल रहे हैं, और मैं अब आटा गूंथ लेती हूँ। आटा गूंथ के थोड़ी देर सेट होने के लिए रख दूंगी। जब तक आटा सेट होगा तब तक जो है उधर अंडे भी उबल जाएंगे। तो अभी आटा जो है ना वो भी गूंथ लिया, और आटा को मैंने छोटे वाली जो भगोना है ना उसमें रख दिया है। तो अब चलते हैं जो एग करी है उसका जो ग्रेवी है वो तैयार करने के लिए। तो अभी मैंने देखा ना, और देखो यहाँ पे लाइट चली गई। मैं जब खाना बना रही थी ना तो लाइट चली गई थी, मतलब 15-20 मिनट की लाइट गई थी, फिर आ गई थी। और इधर चावल भी बन रहा है, तो ग्रेवी के लिए मैंने वही प्याज काट लिया है। और ना प्याज ख़त्म ही हो गया था, बस 1-2 प्याज ऐसे पड़े थे जिनमें ना वो निकल प्याज निकल भी आया था। तो जैसे तैसे चलो उतना तो प्याज हो गया था बनाने के लिए। और यहाँ मिक्सी में मैं टमाटर और अदरक का और लहसुन का पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है, जो ग्रेवी है ना उसमें डालूंगी। तो एक टमाटर और लहसुन और अदरक मैंने पीसा। इधर हमारे जो अंडे वो भी उबल गए थे, तो मैं लगा लूँगी तड़का। तो जो अंडे है ना, मैं इसका जो एग वाला जो वाइट वाला पार्ट है ना बस वही बनाती हूँ, येलो वाला नहीं बनाती हूँ। और ये देखिए राइस भी बनके तैयार हो गई है। और ये पता है मार्केट वाला जो राइस है ना मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा खाने में, लेकिन वही है ना कि अब खाना तो पड़ेगा, क्योंकि जो मेरे घर से राइस आता है वो सब ख़त्म हो गया है। तो अभी मैं घर जाने ही वाली हूँ, जैसे आपको कल के ब्लॉग से पता चली गया होगा कि मैं मायके जाने वाली हूँ बस कुछ ही दिनों में। तो फिर वापस जब आऊँगी ना तो फिर अपना जो चावल वगैरह है लेकर आऊँगी। और यहाँ पे अब लगा लेते हैं तड़का एग करी के लिए। तो मैंने तेल में जीरा डाला, फिर ये जो प्याज थी तो मैंने इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया था, तो हमने प्याज डाल दी है। और जो नमक है ना वो मसाला दानी में भी ख़त्म हो गया था, और जो नमक का डब्बा था उसमें भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने वही नमक जो है ना रिफ़िल कर लिया है। अच्छा, तो मुझसे कोई पूछ भी रहा था कि आप ये कौन सा नमक यूज़ करते हो, तो ये टाटा टी का जो टाटा है ना, ये उस टाटा टी कह रही हूँ, जो टाटा का नमक आता है वही नमक है, लेकिन ये पिंक सॉल्ट है। ये जो नॉर्मल वाइट वाला नमक आता है ये वो नहीं है, पिंक सॉल्ट है। क्योंकि कुछ टाइम से ना मैंने जो वाइट वाला नमक है ना वो खाना बंद कर दिया है। तो यहाँ पे जो मैंने ग्रेवी जो मैंने प्योरी तैयार की थी ना टमाटर लहसुन अदरक का, वो मैंने डाल दिया है। और बाकी जो हमारे बेसिक मसाले हैं, नमक हल्दी मिर्च और गरम मसाला और धनिया पाउडर, तो वो सब मैंने इसमें डाल दिया। अब बस इसको हम भून लेंगे थोड़ी देर तक, मतलब 5-6 मिनट तक। जब तक वो मसाला हमारा भुनेगा तब तक इधर मैं जो अंडे हैं ना उनको मैं छील लूँगी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी ना, जो अंडे का एग वाला जो वाइट वाला पार्ट होता है ना वही मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। बस एक येलो वाला डालूंगी, और बाकी मैं जो व्हाइट वाला पार्ट है ना वही डालूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा येलो नहीं खाना चाहिए। तो देखिए मसाला अच्छे से भुन गया था, तो मैंने उसमें पानी डाल दिया। थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने पानी डाला है, क्योंकि मुझे ग्रेवी थोड़ी सी ना पतली ग्रेवी चाहिए, और हिमांशु को भी ना जो पतली ग्रेवी होती है ना वही उनको पसंद आती है। अगर मैं ग्रेवी अगर मैं सुखा देती हूँ ना तो गुस्सा करने लगते हैं कि बोलते हैं कि क्यों इतना सुखा दिया। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है, ताकि बहुत ज़्यादा ना सूखे। और यहाँ पर मैं बना लूँगी फटाफट रोटियाँ। तो अब जाके हमारा जो डिनर है चावल रोटी और एग करी बनके तैयार है। अभी खाना खाया नहीं, भी थोड़ी देर में खाएंगे। बस जो लगे हाथ ना मैं किचन को भी साफ़ कर देती हूँ, तो ये मेरा डेली का होता है। मैं किचन जैसे ही खाना बनाती हूँ ना उसी वक्त अगर किचन को साफ़ कर दो ना तो बात आलस नहीं आता, और किचन उसी हाथ लगे हाथ ना साफ़ भी हो जाता है। तो दोस्तों ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि 9 फरवरी की मॉर्निंग है, सुबह का टाइम है, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। तो ये हमारी पहली चाय नहीं है, हमारी दूसरी चाय है। पहली चाय हमने तो सुबह उठते ही
भी जो कि है ना वो पी लिया था, तो हस्बैंड को दूसरी चाय भी चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि चलो बना ही लेते हैं चाय। तो बस यहाँ पे हमने चाय बना ली और कुछ ज़्यादा ही चाय बन गई थी। पहले जो सुबह पी थी ना वो थोड़ी थोड़ी सी कम पी थी, तो मन थोड़ा सा ना मन भरा नहीं था, चाय पी के थोड़ी सी ज़्यादा बना दी। और यहाँ पे हिमांशु के जो चाय में मैंने चीनी घोल दिया है, क्योंकि उनको चीनी वाली चाय में देती हूँ, मैं नहीं लेती हूँ चीनी वाली चाय। और आज ये धोने वाली हूँ मैं रजाई, आपने देखा होगा मैंने वो ब्लू वाली रजाई तो पहले से ही धो दी थी, लेकिन ये सबसे ये वाली जो रजाई है ना, जो मेन रजाई हम ओढ़ते थे ठंड में, तो मैंने सोचा कि अब इसको भी ना धो के रख ही दूंगी अपने मायके जाने से पहले, नहीं तो फिर ये रजाई ना गंदी ऐसी पड़ी रहेगी और रखे रखे ना और भी इस पे धूल जम जाएगी। तो अभी घर का काम करने से पहले मैंने सोचा इसको ना अच्छे से डिप करके रख देती हूँ ना डिटर्जेंट पाउडर में, ताकि अगर भीगा रहेगा ना बहुत देर तक तो जो उसी गंदगी वगैरह है ना वो आधी ऐसी निकल जाएगी। और धूप भी बहुत तेज़ हो रही थी, अगर कोई बहुत गंदा कपड़ा हो ना तो उसको बाहर धूप में ही भिगा के रख दो ना, तो उसकी गंदगी बहुत जल्दी निकल जाती है। और फिर उस भिगा के आने के बाद फिर मैंने घर का सारा काम किया, झाड़ू पोछा जो भी था, घर का क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह वो सब करने के बाद अब मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो आज ना हम लोग ब्रेकफास्ट में ऐसा कुछ बना नहीं रहे, क्योंकि ऐसे कोई ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं कर रहा था, मैंने सोचा कि डायरेक्ट ना खाना ही बना लेते हैं, क्योंकि हमने दो दो बार वैसे भी चाय पी लेना, तो इसलिए और भी नहीं मन कर रहा था। तो ये अरहर की दाल ना मैंने सुबह ही जब सो के उठी थी ना उसी टाइम मैंने भिगा दिया था, तो अभी मैंने उसको चढ़ा दिया है, क्योंकि जब दाल भिगो के बनाओ ना तो जल्दी बन जाती है, क्योंकि मैंने कुकर का यूज़ करना थोड़ा सा कम कर दिया है ना, उतना यूज़ नहीं कर रही हूँ आजकल मैं कुकर का। और ये बना और मैं काट यहाँ पे काट रही हूँ मैं बीन्स की सब्जी, तो ये बीन्स भी ना मैंने 3-4 दिन पहले लिया था तो थोड़ी सी बची हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज आलू और बीन्स की सब्जी बना लेते हैं। तो मैंने बीन्स भी काट लिया और एक आलू मैंने काटा है, बहुत ज़्यादा आलू नहीं काटा, एक आलू काफ़ी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया, उसमें डाल दिया राई, तो राई जो जब चटकती है ना तो पूरे किचन में फैल जाती है, इसलिए मैं उसको जब तक वो चटकती है ना मैं उसको ढक देती हूँ, जब वो पूरी चटक जाती है तब मैं हटाती हूँ। और यहाँ पे मैंने इस आलू बीन्स की सब्जी में तड़का लगा दिया है, तो बस वही सिंपल जो प्लेन मसाले होते हैं वही बस डाला है मसाले में। और मैंने इसमें ना बाद में थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, ताकि ना क्योंकि मैंने ऑयल बहुत कम यूज़ किया है ना, तो अगर थोड़ा सा पानी ऐड कर दो ना तो सब्ज़ी जलती नहीं है और सब्ज़ी जल्दी से पक भी जाती है, क्योंकि आजकल आपको पता ही कि आजकल मैं थोड़ा सा कम ऑयल यूज़ कर रही हूँ, पहले बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, तो इसलिए मैंने ऑयल वगैरह थोड़ा सा कम कर दिया है। और यहाँ पे साथ ही साथ गूंथ लेती हूँ आटा रोटी बनाने के लिए, तो अभी लंच में दाल रोटी सब्जी ही बनेगी, चावल अभी मैं नहीं बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं दाल को चेक करती हूँ तो दाल अभी बन गई थी, तो आज ना दाल बहुत जल्दी बन गई थी, क्योंकि आप ही लोगों में से किसी ने मुझे बोला था कि दीदी आप ना दाल को भिगा दिया करो फिर बनाया करो तो जल्दी से गल जाएगी, तो फिर वही बस मैंने आज ना आप ही लोगों की जो कहना था वही माना, और देखिए दाल सच में बहुत जल्दी बन गई। और यहाँ पे हमने खाना वगैरह खा लिया है और फिर उसके बाद से मैं लग गई हूँ बर्तन वगैरह धोने के लिए। तो वही होता है ना जब भी काम किचन का करो उसी वक्त ना क्लीनिंग भी करते जाओ, तो साथ ही साथ जो काम है निपटते चले जाते हैं, बाद के लिए ना कोई काम रहता नहीं है। और अभी फिर इसके किचन के साथ साथ घर के भी जो एक्स्ट्रा काम है ना फिर हम लोग वो भी कर सकते हैं। और फिर मैं आ गई हूँ बाहर, ये जो रजाई है ना इसको धोने के लिए, तो अभी यहाँ पे पानी भी आ रहा है, जो पानी आता है ना फ्रेश पाइप वाला, तो वो पानी भी आ रहा है, उसकी डिप किए हुए काफ़ी टाइम भी हो गया, मतलब 2-2.5 घंटे तो हो ही गए। और फिर उसके बाद मैं वही बस पैरों से ही इस तरह से करके ना उसको साफ़ कर रही, तो ये वैसे नहीं बहुत ज़्यादा गंदी नहीं थी, लेकिन ये था ना कि अब इस रजाई का मुझे यूज़ नहीं करना है, अब मैं इसको धो के और अच्छे से तह लगा के फोल्ड करके ना अपने जो बेड बॉक्स है ना उसमें मैं रख दूंगी। तो फिर ये है कि मेरा जब अगली साल ठंड आएगी ना तो उसका मेरा काम आसान रहेगा, मुझे उस वक्त पे मुझे इसको ना धोने का टेंशन है जो वो नहीं होगा। और मैंने गलती से इसमें आज डिटर्जेंट पाउडर कुछ ज़्यादा ही डाल दिया और मेरी हालत ख़राब हो रही थी इसको धोते वक्त, इसको धोने में बहुत मेहनत लगती क्योंकि रजाई बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है जब इसमें पानी पड़ता है तो, लेकिन यही था कि मेहनत तो करना ही था। और फिर मुझे अपने मायके भी जाना है तो मैंने सोचा कि जाने से पहले ना ये जो काम है ना वो मैं निपटा के ही जाऊँ, नहीं तो फिर घर पर ये ऐसे फैला रहेगा घर जो कि वो गंदा रहेगा। तो यही होता है ना कि शादी बाद जो हम औरतें होती हैं तो फिर हम सोचते हैं कि सब कुछ इस तरह से निपटा के, कहीं जाना होता है तो सारे काम जो है कि निपटा के जाऊं। और वैसे भी ना अब जैसे मैं यहाँ से तो मैं चली जाऊंगी अपने मायके, लेकिन यही है ना कि मेरा ध्यान इधर ही लगा रहेगा, तो ये ऐसा ही होता है मेरे ख्याल से सबके साथ ही ऐसे ही होता होगा।
कि आप कितने दिनों के लिए भी जाओ ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका जो ध्यान होता है ना वो अपने अपने हस्बैंड और जो बच्चे हैं ना उसमें ही होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ना ये धोखे में चली जाऊँगी ना, तो ये मेरा काम रहेगा तो तुम्हें थोड़ी सी तसल्ली रहेगी कि हाँ चलो घर का मैं काफ़ी चीज़ ना समेट के आई हूँ, नहीं तो फिर इस तरह से गंदा रहता, फैला रहता तो अच्छा नहीं लगता। तो बस यही है ना कि मैं इसको बहुत अच्छे से मैंने धो दिया है, और उसको धोने में मतलब कम से कम मुझे ना 40 मिनट तो लग गया होगा। और फिर ये था, पहले मैंने उसको वैसे धोया, फिर मैंने पूरा उसको फैला दिया है, और फैला के फिर मैंने उसको धोना स्टार्ट किया है। अभी हस्बैंड कहीं गए हैं पता नहीं किसी काम से, तो यहाँ पे मैंने फिर वो तो अच्छा वहाँ पे पानी आता है ना, क्योंकि पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसमें। तो ये था, अगर मैं इसको ड्राई क्लीन करवाती ना तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं उसमें, तो फिर इतना पैसे देने की इससे अच्छा है कि थोड़ी सी मेहनत कर लें तो पैसा भी बच जाएगा। और देखिए अभी ना सारे जितने भी डिटर्जेंट वाला पानी था ना वो सब निकल गया है, अब बिल्कुल साफ साफ पानी आ रहा है इसमें, मतलब कि एकदम ये ना क्लीन हो चुका है। तो बस मैं इसको अब टब को उल्टा करके ना मैं उसके ऊपर रख दूंगी, क्योंकि अभी ये उठेगा नहीं, ये रजाई ना अभी ये बहुत ही ज़्यादा भारी हो रखी है, क्योंकि पूरा पानी है ना इसमें, पानी जो थोड़ा सा निचुड़ जाएगा ना, निकल जाएगा, फिर उसको हम उठा सकते हैं, फिर थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। तो बस मैंने इसको टब पे उल्टा करके रख दिया है ताकि जो इसका पानी है ना धीरे धीरे सब निकल जाए, और फिर उसके बाद ये जो बाहर का एरिया है मैं इसको भी धुलाई कर लूँगी। तो आजकल ना मैं यहाँ पे बाहर डेली ही वॉश कर देती हूँ, क्योंकि तो आजकल गर्मी भी होने लग गई है ना, तो हवा भी चलती है, तो हवा के साथ ना बहुत धूल और पत्ते वगैरह बहुत इधर आते हैं, बहुत गंदा हो जाता है, तो यहाँ पे मुझे डेली ही वॉश करना पड़ता है। बट पानी आता है ना पाइप का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यहाँ पे मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड को बोला थोड़ी मेरी हेल्प कर दो जो रजाई है ना उसको गेट पे फैलाने के लिए, तो हम दोनों उठा के ना उसको उस फैला रहे थे। तो इसमें यहाँ पे ना ये एक अच्छे से सूख जाएगा और पानी भी सब इसका निकल जाएगा। दोस्तों इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मैं आपसे मिलती हूँ कल एक दूसरे ब्लॉग के।